Hi dear students, welcome back again to your YouTube channel The Mind Classes. आज के वीडियो में मैं इंटरमीडिएट फाइनल पोएम नंबर 2 द ट्रू ब्यूटी कंपोज्ड बाय थॉमस कैरियू पढ़ाऊंगा। तो इससे पहले बिना समय गंवाए आइए जानकारी लेते हैं कि जो पोएम की रचना किए हैं वो पोएट क्या थे और उनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं। तो आज का टॉपिक है द पोएम द ट्रू ब्यूटी कविता सच्ची सुंदरता, जिसे थॉमस कैरियू ने लिखा है। तो थॉमस कैरियू का लाइफ स्पैन था 1595 टू 1639, 1595 से लेकर 1639 तक ये जिए थे, अर्थात 17वीं शताब्दी के पोएट थे। इनके बारे में इंफॉर्मेशन है, शुरू करते हैं। थॉमस कैरियू वाज वन ऑफ द कैवेलियर पोएट्स। थॉमस कैरियू भी कैवेलियर कवियों में से एक थे। कैवेलियर पोएट्स और भी थे, उनमें से थॉमस कैरियू भी एक थे। कैवेलियर पोएट्स कौन से पोएट्स थे? एक्चुअली 17वीं शताब्दी के वे कवि जो किंग चार्ल्स प्रथम के कट्टर समर्थक थे और राजा चार्ल्स प्रथम का इन्हें समर्थन भी प्राप्त था। दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट करते थे, या यूं कहो कैवेलियर पोएट्स नाम का एक स्कूल भी हुआ करता था। वो एक ऑर्गेनाइजेशन था और पूरी ऑर्गेनाइजेशन चार्ल्स प्रथम के प्रति समर्पित थी और चार्ल्स प्रथम भी उन लोगों का फेवर करते थे। तो थॉमस कैरियू वाज वन ऑफ द कैवेलियर पोएट्स। थॉमस कैरियू कैवेलियर कवियों में से एक थे। अब शायद आप समझ चुके हो कैवेलियर पोएट कौन थे। कैवेलियर पोएट 17वीं शताब्दी में लिखते थे। इनका पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन था जो किंग चार्ल्स प्रथम के प्रति समर्पित थे। ही वाज बॉर्न इन बेस्टविकम इन 1595। उनका जन्म बेस्टविकम इंग्लैंड में है, 1595 में बेस्टविकम में पैदा हुए थे। थॉमस कैरियू 1595 ईस्वी में बेस्टविकम में पैदा हुए थे। हिज फादर्स नेम वाज सर मैथ्यू कैरियू। उनके पिताजी का नाम सर मैथ्यू कैरियू था। हु वाज मास्टर इन चांसरी, जो कि चांसरी में मास्टर थे, अर्थात एक अधिकारी थे। चांसरी क्या है? इंग्लैंड के कोर्ट में एक कह लीजिए एक सब डिविजन है, और उसी में ये मास्टर हुआ करते थे, अधिकारी के रैंक पे थे। तो मास्टर इन चांसरी जो होता है वो वहां के इक्विटी कोर्ट के द्वारा कोर्ट की गतिविधियों को असिस्ट करने के लिए नियुक्त किया जाता है। तो हिज फादर्स नेम वाज सर मैथ्यू कैरियू, उनके पिताजी का नाम सर मैथ्यू कैरियू था। हु वाज मास्टर इन चांसरी, जो कि मास्टर इन चांसरी थे, अर्थात वहां के कोर्ट के सब डिविजन में अधिकारी के पद पर नियुक्त थे। He was educated at Corpus Christ, Oxford. Oxford एक यूनिवर्सिटी है, सबको पता है। तो वह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के कॉर्पस क्राइस्ट कॉलेज में शिक्षित हुए थे। कॉर्पस क्राइस्ट कॉलेज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से अफिलियेटेड था, वहां से ये शिक्षा प्राप्त किए थे। He got favor of King Charles I, उन्हें राजा चार्ल्स प्रथम का समर्थन भी प्राप्त था। मैंने बताया कैवेलियर पोएट्स वही थे जिनका संबंध किससे था, किंग चार्ल्स प्रथम से, 17वीं शताब्दी में। तो ही गॉट फेवर ऑफ किंग चार्ल्स फर्स्ट, वह राजा चार्ल्स प्रथम के फेवर को प्राप्त किए, उनके समर्थन को प्राप्त किए, अर्थात उन्हें राजा चार्ल्स प्रथम का समर्थन प्राप्त था। ही वाज ए ट्रू डिसिपल ऑफ बेन जॉनसन, वह बेन जॉनसन के सच्चे शिष्य भी थे। बेन जॉनसन जानते हो शेक्सपियर के यूं कह लो चिर प्रतिद्वंदी, कभी चूकते नहीं थे उनपे सटायर करने में, बेन जॉनसन। तो बेन जॉनसन के ये पक्के शिष्य थे। ही वाज ए ट्रू डिसिपल ऑफ बेन जॉनसन, वह बेन जॉनसन के एक सच्चे शिष्य थे। ही वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय जॉन डन, वह जॉन डन से भी प्रभावित थे। जॉन डन का जिक्र मैंने पहले भी किया है। जॉन डन कौन थे? मेटाफिजिकल पोएट्री लिखते थे। इनका नाम भी मेटाफिजिकल पोएट्री का नाम लोगे तो जॉन डन सबसे पहले आके खड़े हो जाएंगे। फार फेस्ट इमेजिनेशन लिखते थे। तो ही वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय जॉन डन, वो जॉन डन से भी प्रभावित थे। ही रोट ए फाइन एलिजी, एलिजी मतलब ए सॉन्ग विच इज संग ऑन द डेथ ऑफ समवन डियर,
जनरली किसी के मृत्यु पर शोक जो गीत होता है वही उसी की इंग्लिश होती है एलिजी। तो जैसा कि वह जॉन डन से प्रभावित थे इसलिए ही रोट ए फाइन एलिजी, उन्होंने बहुत उत्कृष्ट एक शोक गीत लिखा, एलिजी लिखा, एलिजी मतलब शोक गीत ऑन डन डन पर, जॉन डन के मृत्यु पे इन्होंने एक शोक गीत भी लिखा। हिज लॉन्गेस्ट एंड मास्टरपीस वर्क, मास्टरपीस वर्क मतलब सर्वश्रेष्ठ रचना, तो हिज लॉन्गेस्ट एंड मास्टरपीस वर्क इज द रैप्चर, उनकी सबसे लंबी और सर्वश्रेष्ठ वर्क जो रचना है उसका नाम है द रैप्चर। रैप्चर क्या है, ए लव पोएम है, प्रेम प्रसंग पर आधारित एक उत्कृष्ट कविता है। हिज पोएम्स आर हाईली म्यूजिकल, उनकी कविताएं उच्च स्तरीय संगीतबद्ध होती है। थॉमस केरी की जो कविताएं होती हैं ये क्या होती है, हाईली म्यूजिकल, उच्च स्तरीय संगीतबद्ध होती है, मतलब इन्हें बहुत लय में सिंग किया जाता है। तो ये था थॉमस केरी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, किस प्रकार के पोएट थे, किस शताब्दी के थे, और आइए सीधे टेस्ट पे चलते हैं, टेस्ट के थ्रू उन्हें क्या मैसेज दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, टेस्ट का अध्ययन करते हैं। थॉमस केरी पहले लाइन में कहते हैं ही दैट लव्स, वह जो प्रेम करता है, ए रोजी चीक गुलाबी गाल से, मतलब स्वस्थ गाल, गुलाबी गाल, रोजी मतलब गुलाबी, यहां पर प्रतीक किस चीज का है, स्वस्थ होने का, चीक मतलब गाल। तो ही दैट लव्स, वह जो प्रेम करता है, ए रोजी चीक गुलाबी गाल से, गुलाबी गाल। जैसे इस पोएम में द पोएट हैज डिवाइडेड ब्यूटी इंटू टू पार्ट, फिजिकल ब्यूटी एंड स्पिरिचुअल ब्यूटी। फिजिकल ब्यूटी इंक्लूड्स योर रेड लिप, रोजी चीक, योर ब्राइट टीथ, योर फेयर आईज, योर फेयर हेयर, ये सब जितनी भौतिक सुंदरता है, ठीक है, जितने अंग की सुंदरता जो है वो फिजिकल ब्यूटी है। तो ही दैट लव्स, ए रोजी चीक, वह जो गुलाबी गाल से प्रेम करता है, और एक कोरल लिप, कोरल क्या है, कोरल मतलब मूगा, एक रत्न होता है मूगा, रेड एकदम। तो और एक कोरल लिप एडमायर्स, या मूंगे जैसी लाल होंठ की प्रशंसा करता है। तो देखो कोरल लिप एडमायर्स, एडमायर्स मतलब प्रशंसा करता है, लिप मतलब होंठ, और कोरल एक रत्न है मूंगा जिसकी हिंदी होती है, रेड होता है एकदम। तो पोएट कहता है ही दैट लव्स ए रोजी चीक, वह जो गुलाबी गाल से प्रेम करता है, और एक कोरल लिप एडमायर्स, या फिर मूंगे जैसी लाल होंठ की प्रशंसा करता है, और या फिर फ्रॉम स्टार लाइक आईज, या फिर तारों जैसे नेत्र से। देखो लाइक आ गया ना, फिगर ऑफ स्पीच सिमिली, तारों की तरह नेत्र, नेत्र को तारों की उपमा दी गई, और फ्रॉम स्टार लाइक आईज, या फिर तारों जैसे नेत्रों से डच सीक ढूंढता है, सीक मतलब ढूंढना, खोजना, फ्यूल ईंधन, ईंधन ढूंढता है, प्रेम रूपी ईंधन ढूंढता है, टू मेंटेन हिज फायर्स, अपने प्रेम की लपटों को जलाए रखने के लिए। एज ओल्ड टाइम मेक्स दिस डिके, डिके मतलब धूमिल करना, ओल्ड टाइम मतलब पासिंग टाइम, बीतता हुआ समय, एज ओल्ड टाइम जैसा कि बीतता हुआ समय मेक्स दिस डिके, इन चीजों को धूमिल कर देती है, विद द पैसेज ऑफ टाइम योर फिजिकल ब्यूटी गेट्स डिक्लाइंड, समय बीतने के साथ साथ आपकी भौतिक सुंदरता, गाल की सुंदरता, नाक नक्श, रंग रूप, ये सब चीजें, आंखें, ये सब क्या होती है, धूमिल पड़ जाती है। तो वही बताया जा रहा है, एज ओल्ड टाइम मेक्स दिस डिके, जैसा कि ओल्ड टाइम अर्थात पासिंग टाइम इन चीजों को नष्ट कर देता है, सो इसलिए हिज फ्लेम्स, उसकी प्रेमग्नि, मस्ट बेस्ट अवे, निश्चित रूप से निरर्थक जाएगी, बेस्ट अवे हो जाएगी, स्टेबल नहीं होगी। तो शुरुआत में पोएट जो है फिजिकल ब्यूटी के बारे में बताता है, द पोएट डिस्क्राइब्स फिजिकल ब्यूटी विच इंक्लूड्स योर चीक, योर हेयर, योर आईज एंड व्हाट नॉट। तो कहता है ही दैट लव्स ए रोजी चीक, वह व्यक्ति जो गुलाबी गाल से प्रेम करता है, और एक कोरल लिप एडमायर्स, या मूंगे जैसे लाल होंठों की प्रशंसा करता है, इन चीजों से आकर्षित होता है, और या फिर फ्रॉम स्टार लाइक आई आईज डज सी फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स, मेंटेन मतलब सस्टेन, बनाए रखना, या फिर तारों जैसी नेत्र से ढूंढता है, क्या ढूंढता है, फ्यूल, ईंधन, प्रेम रूपी ईंधन ढूंढता है,
टू मेंटेन हिज फायर, अपने प्रेम की लव को जलाए रखने के लिए वो कंटिन्यू रहे। एज ओल्ड टाइम मेक्स दिस डिके, जैसा कि बीतता हुआ गुजरता हुआ समय इन चीजों को नष्ट कर देता है, किन चीजों को, चाहे रोजीची को, चाहे कोरले को या फिर ब्राइट आईज हो। एज ओल्ड टाइम मेक दिस डिके, जैसा कि बीतता हुआ समय इन चीजों को अपने लपेटे में ले लेता है। ऑल दीज आर सब्जेक्टेड टू टाइम, ये सभी चीजें समय की शिकार है। तो एज ओल्ड टाइम मेक दिस डिके, जैसा कि गुजरता हुआ समय इन चीजों को धूमिल कर देता है, नष्ट कर देता है। सो इसलिए हिज फ्लेम्स मस्ट बेस्ट अवे, इसलिए निश्चित रूप से उसका प्रेम, उसकी प्रेमग्नि नष्ट हो जाएगी, निरर्थक हो जाएगी, बेस्ट अवे हो जाएगी। तो शुरुआत में पोएट ने यही बताया है कि भौतिक सुंदरता आदमियों को ज्यादा चार्म करती है, ज्यादा अट्रैक्ट करती है, लेकिन ये क्षणिक होती है। जो व्यक्ति इससे प्रेम करते हैं उनका प्रेम कभी स्टेबल नहीं हो सकता, इमोर्टल नहीं हो सकता, क्योंकि वो सुंदरता जिससे वो आकर्षित होते हैं वही इमोर्टल, वही स्टेबल नहीं है। अब सेकेंड हाफ में आते हैं, पोएट क्या कहता है, कहता है बट ए स्मूथ एंड स्टीप फास्ट माइंड, स्टीप फास्ट मतलब दृढ़, स्मूथ मतलब चिकना, अर्थात अस्पष्टवादिता से यहां पे तात्पर्य है। बट ए स्मूथ एंड स्टीप फास्ट माइंड, लेकिन एक अच्छा और दृढ़ दिमाग, अच्छा और दृढ़ दिमाग, जेंटल थॉट्स, सज्जन सोचें, एंड काम डिजायर्स और शांत इच्छाएं, कंट्रोल्ड डिजायर, हर्ट्स विद इक्वल लव कंबाइंड, ऐसे हृदय जो समान प्रेम भाव से जुड़े हो, ऐसे हृदय जो समान प्रेम भाव से जुड़े हो, सेल्फलेस हो, किंडल उत्पन्न करते हैं, किंडल मतलब प्रोड्यूस, उत्पन्न करते हैं नेवर डाइंग फायर्स, कभी ना बुझने वाले, कभी ना मरने वाले प्रेम अग्नि को। जहां पर ये चीजें होती हैं, इनसे लोग आकर्षित होकर प्रेम करते हैं, वो प्रेम अग्नि कॉन्टिन्यू रहती है, क्योंकि ये चीजें समय के शिकार नहीं होती। समय बीतने के साथ आपके आंखों की जो सीइंग पावर होगी, देखने की क्षमता होगी, वो घट जाएगी, गाल में झुर्रियां पड़ जाएंगी, बाल सफेद हो जाएंगे, ये चीजें समय के साथ साथ नष्ट हो जाती हैं। लेकिन आपकी सोच अच्छी है, आपका बिहेवियर अच्छा है, तो ये वो सुंदरता है जो जिसका समय कुछ नहीं कर सकती। इसलिए पोएट फेवर करता है स्पिरिचुअल ब्यूटी का। तो यहां पर दूसरे हाफ में पोएट जो है स्पिरिचुअल ब्यूटी बता रहा है, आध्यात्मिक सुंदरता जो समय का शिकार नहीं है, तो कभी लास्ट में फेवर भी करता है आध्यात्मिक सुंदरता का। तो सुंदरता फिजिकल हो, उसके साथ साथ स्पिरिचुअल भी हो तो बेस्ट है, लेकिन सिर्फ फिजिकल नहीं बेस्ट है, गुड भी नहीं है, और सिर्फ स्पिरिचुअल अपने आप में यूनिक है। तो बट स्मूथ एंड स्टीप फास्ट माइंड, लेकिन एक अच्छा और दृढ़ सोच, दृढ़ दिमाग, जेंटल थॉट्स, सज्जन सोचें, एंड काम डिजायर्स और नियंत्रित इच्छाएं, हर्ट्स ऐसे हृदय विद इक्वल लव कंबाइंड, जो बराबर प्रेम भाव से जुड़े हों, किंडल उत्पन्न करते हैं नेवर डाइंग फायर, कभी ना बुझने वाले प्रेम अग्नि को, कभी ना बुझने वाले प्रेम अग्नि को जलाते हैं। पोएट कहता है व्हेयर आर नॉट, जहां पर ये चीजें नहीं होती, कौन सी चीजें, हर्ट्स विद इक्वल लव कंबाइंड, जेंटल थॉट्स, काम डिजायर्स, स्मूथ एंड स्टीप फास्ट माइंड, जहां पर ये चीजें नहीं होती। Where these are not, जहां पर ये चीजें नहीं होती, पोएट कहता है आई डिस्पाइस, मैं घृणा करता हूं, हेट, डिस्पाइस घृणा करना, आई डिस्पाइस, मैं घृणा करता हूं लवली चीक्स, चाहे वो सुंदर गाल हो और लिप्स या फिर सुंदर होंठ हो और आईज या फिर सुंदर नेत्र हो। तो यहां पर देखो, ये रोजी चीक, कोरल लिप, स्टार लाइक आईज, ये सब फिजिकल ब्यूटी को सिंबलाइज कर रहे हैं, भौतिक सुंदरता है, इनसे आदमी आकर्षित हो सकता है, लेकिन परमानेंट लव कैन नॉट बी गॉट बाय हिम, उसके द्वारा एक अस्थाई प्रेम नहीं पा सकता वो, ये चीजें समय की शिकार है। और फिर दूसरी तरफ स्मूथ एंड स्टीप फास्ट माइंड, जेंटल थॉट्स, काम डिजायर्स एंड हर्ट्स विद इक्वल लव कंबाइंड, ये चीजें क्या है, ये आध्यात्मिक सुंदरता के प्रतीक है। इन चीजों से जब प्रेम होगा जिसे, उसका प्रेम इमॉर्टल होगा, क्योंकि ये चीजें समय की शिकार नहीं है। तो पोएट फाइनली द पोएट डिवाइड्स ब्यूटी इनटू टू पार्ट्स, फर्स्ट इज फिजिकल एंड सेकंड इज स्पिरिचुअल। फिजिकल ब्यूटी इंक्लूड्स फेयर हेयर, रोजी चीक, रेड लिप्स, ब्राइट आईज, ईटीसी, एंड स्पिरिचुअल ब्यूटी इंक्लूड्स
योर थिंकिंग, योर गुड बिहेवियर, योर बीइंग वर्शिपर ऑफ द ट्रूथ, इट इज सी। तो ये था इस पोएम में, आप इस पोएम को बढ़िया फिर से बैक करके सुनिए, जहां ना समझ में आया हो, जो लाइन ना क्लियर हुआ हो उसे कमेंट बॉक्स में पूछिए, और बने रहिए अगले अपडेट में, मैं इस पोएम का एक्सप्लेनेशन आप लोगों को बताऊंगा। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।